जिस तरह से बेटे आपको पता है कि आपने एनिमल्स की एक्सक्रीशन स्टार्ट की हुई है और एनिमल्स की एक्सक्रीशन में आप लोगों ने सिंपलर से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ मूव करना है। अभी हम इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं कि कुछ इन्वर्टेब्रेट्स जो आपकी बुक में गिवन है वो एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं। ये 3 to 4 इन्वर्टेब्रेट्स कम्प्लीट करने के बाद फिर हम वर्टेब्रेट्स में से मैन की एग्जाम्पल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो कल आपने पढ़ा था हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, आज हमने अर्थवर्म की एक्सक्रीशन पढ़नी है। एक्सक्रीशन बेटे आपको पता है कि किसी भी वेस्ट मेटाबोलाइट के रिमूव करने को या नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूव करने को आप कहते हो। आपने इसकी डेफिनेशंस भी डिटेल के साथ इस टॉपिक के स्टार्ट पे पढ़ी थी। ओके, सो कल आपने जो हाइड्रा पढ़ा था उसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था, वाइल प्लेनेरिया में आपने पढ़ा कि ट्यूबुलर एक नेटवर्क प्रेजेंट है और सिंपलर ट्यूबुलर नेटवर्क है। ठीक है, सबसे सिंपल जो यूरिनरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रीडिया जो आपने कल पढ़ा था। ओके, प्रोटोनेफ्रीडिया से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं और अर्थवर्म को स्टार्ट करते हैं। अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे आप कहते हो कि ये मेटानेफ्रीडियम है। प्लेनेरिया में आपने पढ़ा प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया भी ट्यूबुलर एक नेटवर्क था लेकिन वो प्रोटोनेफ्रीडिया सिंपलर था एज कंपेयर टू मेटानेफ्रीडिया। जो प्रोटोनेफ्रीडिया आपने प्लेनेरिया में पढ़ा था और मेटानेफ्रीडिया आप अर्थवर्म की एग्जांपल में पढ़ रहे हो। ओके, ये मेटानेफ्रीडिया हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोटोनेफ्रीडिया जो आपने कल प्लेनेरिया में पढ़ा। तो सबसे पहले इसकी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अर्थवर्म की बॉडी आपको पता है सॉफ्ट बॉडी होती है और फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्ट बॉडी एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर आपको इस तरह से सेगमेंट्स नजर आते हैं। ठीक है, सो सेगमेंटेड बॉडी है अर्थवर्म की। हर एक सेगमेंट के अंदर पेयर मौजूद है मेटानेफ्रीडियम का। पेयर है इट मींस कि हर एक सेगमेंट में कितने मेटानेफ्रीडियम होंगे, 2 मेटानेफ्रीडियम के सेट होंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 and 5 सेगमेंट्स ड्रा किए हैं तो इट मींस के इतने पोर्शन में कितने मेटानेफ्रीडियम हैं। हर एक सेगमेंट में पेयर है तो इन 5 में टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है, सो मेटानेफ्रीडियम जो कि हर एक सेगमेंट में पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं उनका स्ट्रक्चर अभी हम ड्रा करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी अर्थवर्म का हमने सेगमेंट ड्रॉ किया है और यहाँ से लेके इसका फर्स्ट सेगमेंट था, ये 2 सेगमेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, 2 सेगमेंट्स ड्रॉ करने का पर्पस क्या था, बिकॉज इसकी 2 ओपनिंग्स हैं मेटानेफ्रीडियम में। कल जो आपने प्रोटोनेफ्रीडियम पढ़ा था उसमें जस्ट एक एक्सटर्नल ओपनिंग थी, उसमें कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं थी। उस एक्सटर्नल ओपनिंग को आपने नेफ्रीडियोपोर बोला था। मेटानेफ्रीडियम के अंदर इंटरनल ओपनिंग भी है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी है। इंटरनल मीन्स कि वो बॉडी के अंदर ओपन होगी और एक्सटर्नल मीन्स कि वो बॉडी के बाहर ओपन होती है। वाइल प्रोटोनेफ्रीडिया के केस में जस्ट आपने एक एक्सटर्नल ओपनिंग का पढ़ा था और वो एक्सटर्नल ओपनिंग कौन सी थी, नेफ्रीडियोपोर। ओके, सो 2 ओपनिंग्स हैं इसकी और यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। एक इंटरनल ओपनिंग जो है वो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये सीलिएटेड होता है। ठीक है, सीलियाज इसको कवर कर रहे हैं। तो ये जो ओपनिंग आपने ड्रॉ की है इसका नेम क्या होगा, सीलिएटेड सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम। ओके, सो ये सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम आपने 2 सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रीडियम स्टडी कर रहे हो तो इस मेटानेफ्रीडियम की जो इंटरनल ओपनिंग होगी आपने उसे नेक्स्ट वाले सेगमेंट के अंदर ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने मेटानेफ्रीडियम ड्रॉ करना है तो इसकी ओपनिंग आपने उसके नेक्स्ट वाले सेगमेंट में ड्रॉ कर दी। ये आपने सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम जो कि इंटरनल ओपनिंग है मेटानेफ्रीडियम सिस्टम के अंदर।
ओके, ये सिलिएटेड ओपनिंग एक फनल शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक्सटेंड होगी और पूरा मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर बनाएगी। मेटानेफ्रीडियम स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट आपने सेगमेंट ड्रॉ कर दिया कि सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम जो कि इंटरनल ओपनिंग है यहाँ से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद ये एक कॉइल्ड ट्यूब में चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब है तो हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। किसी भी शेप का क्वाइल स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट फॉर्म में नहीं ड्रा करना। कोई भी क्वाइलिंग जितनी मर्जी आप ड्रा कर लें, टाइम के अकॉर्डिंग जितना आपको अवेलेबल है। अगर आप कॉम्प्लेक्स ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाइलिंग्स ड्रा कर लें, बिकॉज टाइम कम है तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा क्वाइल ड्रा कर लेते हैं। ओके, सो ये क्वाइल ट्यूब आपने ड्रा कर दी, इस क्वाइल ट्यूब को अब आपने एक्सटेंड करवाना है। ब्लैडर में, ठीक है, ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमने इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ कर लिया, जिससे आपने बोला ये मेटानेफ्रीडियम है। सबसे फर्स्ट इसका जो सेगमेंट आपने ड्रॉ किया वो सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम है, एंड सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम इज इंटरनल ओपनिंग। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सेगमेंट्स की किसी भी अर्थवर्म की आउटर लाइनिंग है। सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम फर्स्ट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि मेटानेफ्रीडियम में आप पढ़ रहे हो, एंड सेकंड जो पार्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भी आप इसे कह सकते हो और नेफ्रिक ट्यूब्यूल भी कह सकते हो। ओके, सो ये कलेक्टिंग डक्ट एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल आपने जो लास्ट एक पोर्शन ड्रॉ किया है, ये यहाँ से जितना भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये कलेक्टिंग डक्ट का है। एंड पे जो आपने एक स्वोलन पोर्शन ड्रॉ किया है, दिस स्वोलन पोर्शन इज कॉल्ड ब्लैडर, और ये ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, टेम्पोररी तौर पे यूरिन को स्टोर करेगा। टेम्पररी क्यों बोला, बिकॉज परमानेंटली यहां पे स्टोर नहीं होगा, बहुत ब्रीफ टाइम के लिए यहां पे ये स्टोर होता है। ये जो ओपनिंग आपने बॉडी से बाहर ड्रॉ की हुई है, इस ओपनिंग को आप कहते हो ये नेफ्रीडियोपोर है। ओके, सो रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने कितने सेगमेंट्स ड्रॉ किए। फर्स्ट सेगमेंट ये आपने किसी भी अर्थवर्म की बॉडी के दो सेगमेंट्स पर ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, सो जब भी आपने मेटानेफ्रीडियम का सिस्टम ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसका जो इंटरनल ओपनिंग है जो बॉडी के अंदर होती है वो एक सेगमेंट पहले आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो ये सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम आपने एक सेगमेंट पहले ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट आपने ड्रॉ किया है वो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि कलेक्टिंग डक्ट है। क्वाइल्ड क्यों बोला, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, ये खुद को टर्न किए हुए बेंड किए हुए स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आप नेफ्रिक ट्यूब्यूल भी कह सकते हो। ओके, सो थर्ड जो सेगमेंट आपने इनके सिस्टम में ड्रॉ किया वो है ब्लैडर। ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को टेम्पररी तौर पे स्टोर करवाता है।
लास्ट जो ओपनिंग या सेगमेंट आपने इस सिस्टम का ड्रॉ किया वो है नेफ्रीडियोपोर, एंड नेफ्रीडियोपोर इज एक्सटर्नल ओपनिंग, ये फोर्थ सेगमेंट है। ठीक है, सो नेफ्रीडियोपोर इज एक्सटर्नल ओपनिंग। तो मेटानेफ्रीडियम के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने कितनी ओपनिंग्स ड्रॉ की हैं? सिलिएटरी नेफ्रोस्टोम जो कि बॉडी के अंदर है, एंड नेफ्रीडियोपोर जो कि बॉडी से बाहर है, दो ओपनिंग्स हैं। कल जो आपने प्रोटोनेफ्रीडियम पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रीडियम में जस्ट एक ही ओपनिंग थी और वो ओपनिंग एक्सटर्नल थी, नेफ्रीडियोपोर थी। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद कलेक्टिंग डक्ट को आपने कवर कर देना है कैपिलरीज के नेटवर्क से। ये कैपिलरीज ड्रॉ करते हुए आपने जस्ट कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये हम कैपिलरीज ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन जस्ट कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ओके, नेटवर्क की फॉर्म में ड्रॉ करना है आपने। और किसी भी लाइट शेड की पेंसिल से ड्रॉ करना है, अदरवाइज आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्लियर नहीं होगी। ओके, सो ट्राई कीजिएगा कि जो आपने कैपिलरीज ड्रॉ की हैं या कोई भी लाइट शेड की पेंसिल से ड्रॉ करें, अदरवाइज आपके दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मिक्स हो जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट एंड कैपिलरीज। सो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये जो आपने ब्लू मार्कर से ड्रॉ की हैं ये आपका फिफ्थ सेगमेंट है, और ये फिफ्थ सेगमेंट इज कैपिलरीज। ठीक है, ओके, कैपिलरीज में क्या फंक्शन है आप जरा इसे रिकॉल कर लेते हैं। ओके, ये तो आपने फाइव सेगमेंट्स ड्रॉ कर दिए मेटानेफ्रीडियम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ओके, ये जो सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम है जो कि इंटरनल ओपनिंग है, ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इमर्स हुई होती है। सिलोमिक फ्लूइड आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, वो फ्लूइड है जो कि इनकी सिलोम के अंदर होता है, और सिलोम आप कैविटी के लिए ड्रम यूज करते हो। सो सिलोमिक फ्लूइड जो कि इनकी सिलोम के अंदर है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वेस्ट भी है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट हैं उसकी बॉडी के लिए या वेस्ट है, तो वो सारे का सारा फ्लूइड इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू इस ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। ओके, आप जब आपको एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ये आ भी जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि अभी जो मैं लिखवाने लगी हूँ चीजें ये आप ना लिखें, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। लेकिन ये प्रॉपर जो आपने फिगर यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, ये फिगर आपने ड्रॉ करनी है, और ये जो फाइव सेगमेंट्स हमने इस सिस्टम के ड्रॉ किए हैं, ये फाइव सेगमेंट्स आपने लेबल कर देने हैं। ठीक है, तो अब जो चीज़ें लिखवाने लगी हूँ वो आप नहीं लिखें, लेकिन ये जो सेगमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सेगमेंट्स बेटे आपने लास्ट में फाइव ड्रॉ करने हैं और लेबल भी करने हैं। ठीक है, सो सिलोमिक फ्लूइड इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, और एंटर होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाएगा। पहले मैंने आपको बताया कि इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर दोनों चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल भी है, और सेकेंडली इसके अंदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ओके, सो ये दोनों चीज़ें, वेस्ट मटेरियल प्लस इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, इस ओपनिंग के थ्रू इस डक्ट सिस्टम के अंदर आ गए हैं। जैसे ही ये वेस्ट मटेरियल एंड इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसके कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे, तो कलेक्टिंग डक्ट की जो ल्यूमन है, ल्यूमन बेटे आप किसी भी ट्यूब के इनर साइड को कहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है या कोई भी एक्सक्रीटरी डक्ट है, किसी भी ट्यूब की जो इंटरनल एम्प्टी स्पेस होती है उसे आप ल्यूमन कहते हो।
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की कलेक्टिंग डक्ट की ल्यूमन में ये सिलोमिक फ्लूइड आ जाएगा और सिलोमिक फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल भी है और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ओके, अब इस वेस्ट मटेरियल में जो सिलोमिक फ्लूइड में जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी कलेक्टिंग डक्ट की ल्यूमन के अंदर ही रहेगा, वाइल जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग से होते हुए, एपिथेलियल आपको पता है सबसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी ट्यूब की या किसी भी बॉडी सर्फेस की, उससे होते हुए ये ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज करवा दिए जाएंगे, और अगर डिफ्यूजन नहीं भी होगी और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी करवाए जा सकते हैं। ओके, सो सिलोमिक फ्लूइड जो कि यहाँ से एंटर हुआ था उस पर वेस्ट मटेरियल भी एंटर हो गया इसके अंदर, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हो गए। यहाँ पे आके अगर बॉडी को रियलाइज होगा कि उसने वेस्ट के साथ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करवा दिए हैं, तो इसके ऊपर जो कैपिलरीज हैं ये कैपिलरीज इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी और दोबारा से इसकी बॉडी के सिस्टम के अंदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को पोर करवा देंगी। ओके, अब इस एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जस्ट वेस्ट मटेरियल रह गया है और वो वेस्ट मटेरियल थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे लाके ब्लैडर में स्टोर करवाया जाता है। ओके, सो टेम्परेरी स्टोर करवाने के बाद इस ब्लैडर से नेफ्रिडियो पोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म आई होप क्लियर हो गया होगा। आपने इसका स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ये दो हेडिंग्स देनी है। स्ट्रक्चर के अंदर आपने पहले ये फिगर ड्रा करनी है और उसकी थ्योरी भी बतानी है कि आपने सबसे पहले कौन सा ड्रा किया, फिर उसके बाद कौन सा सेगमेंट था, उसके बाद आपने किस शेप का था वो, उसका काम क्या है, ये स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें बतानी है। मैकेनिज्म के अंदर आपने बताना है कि किस तरह से जो वेस्ट मटीरियल है इस ट्यूबुलर सिस्टम से पास होगा और कौन सा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होगा और कौन से वाला जो है वो वेस्ट के साथ रिमूव आउट करवा दिया जाएगा। ये आपने सारी मैकेनिज्म के अंदर थ्योरी बतानी है इसकी। ओके, सो आई होप कि अर्थवर्म की एक्सक्रीशन क्लियर हो गई होगी आपको। आपको कोई भी क्वेश्चन है इसकी डायग्राम में या इसके मैकेनिज्म में कि किस तरह से वेस्ट रिमूव हुआ है, वो आप क्वेश्चन करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।